आप ये जो भारत जोड़ो यात्रा का जो पूरा अभियान चला हुआ है राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने चलाया हुआ है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे और कितना ये लाभकारी? अगर राहुल जी की सोच को नमन करता हूँ, उसके प्यार को नमन करता हूँ, उसकी तपस्या को नमन करता हूँ, उसके जो त्याग को नमन करता हूँ, जो आज जो राहुल जी जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि जो अपने भारत को जोड़ना है, नफरत की लड़ाई ख़त्म करनी है, जो जाति धर्म की और जो बेरोजगारी की और जो अपने जो बीजेपी वालों ने जो एक जहर फैलाया था, आज राहुल गांधी जी इस तपस्या के कारण उसको सारे को धोते हुए निकल रहे हैं। और निश्चित रूप से आप देखो, आज 3000 किलोमीटर फरीदाबाद के अंदर कवर कर लिया राहुल जी ने, बिल्कुल भगवान उनका साथ दे रहा, माता शीतला उनके साथ दे रही है उनकी तपस्या का। और निश्चित रूप से आप देखो कितना जोश है, आज हर आदमी खुश है, आज हर धर्म का साथी, आज देखो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब साथी दिल से जुड़े हैं। राहुल जी, आपको क्या लगता है जो आने वाला इलेक्शन है उसमें अपने हरियाणा की राजनीति कैसी रहेगी और कौन सीएम बनेगा? देखो निश्चित रूप से आप देखो जो माहौल चल रहा है, तो हुड्डा साहब का जो प्यार है और जो उनका लोगों से लगाव है और जो उन्होंने पिछले 10 साल 2005 से लेकर 14 तक जो उन्होंने प्यार दिया है, उन्होंने जो अपने हरियाणा को और खासकर गुड़गांव फरीदाबाद को हैपनिंग सिटी बनाया था, निश्चित रूप से आप देखना आने वाला समय हुड्डा साहब सीएम बनेंगे और 36 बरादरी का साथ उनके साथ है। थैंक यू वेरी मच आपको हमारी बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।